से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 5, स्प्रेडशीट का चैप्टर नंबर 5 है ये, जिसका टॉपिक का नेम है सेट रिवीजन ट्रैकिंग एंड रिव्यू ट्रैक्ड रिवीजन। तो इस चैप्टर का जो मेन ऑप्शन है वो क्या कि जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या स्मॉल स्केल भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां एक सिंगल सिस्टम यानी एक सिंगल सर्वर मशीन के ऊपर मल्टी यूजर एक साथ अगर यूज करते हैं, इफ मल्टी यूजर यूज सेम मशीन, देन वहां पे काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है कि अगर कोई भी बंदा आपके रिकॉर्ड को चेंज करता है, इफ एनी पर्सन चेंज अवर रिकॉर्ड्स देन इट इज रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो जाता है। वी कैन इजली गेट दैट रिकॉर्ड्स विच पर्संस चेंज डेटा इन विच टाइम एंड इन विच टाइम, कौन से समय पे और कौन से बंदे ने डेटा को चेंज किया है, वो सब चीजें आपके पास ट्रैक चेंज के अंदर स्टोर हो जाती हैं, जिसके थ्रू इजीली हमें पता लग जाता है कि क्या रिकॉर्ड हमने, अगर मान लो सपोज हम अपनी बॉस से अगर रिकॉर्ड को चेंज करवाते तो क्या रिकॉर्ड हमसे कहां गलती हुई और वहां पे उन्होंने हमें क्या चेंज करके दिया, वो चीजें भी हमें यहां से ही फाइंड आउट हो जाती हैं। तो ट्रैक चेंज करते कैसे हैं बेसिकली, तो सबसे पहले आप एक्सेल की एक सीट बनाइए, जैसे लास्ट टाइम जो हमने सीट बनाई थी उसी सीट को मैंने यहां पे ओपन कर लिया है। देन अगेन गो टू द एडिट ऑप्शन में जाएंगे, एडिट में जाके चेंजेस ऑप्शन है, चेंजेस में फर्स्ट वन ऑप्शन कौन सा आएगा, रिकॉर्ड्स। अगर हम चाहते हैं कि उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे जो भी हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट डालते हैं वो जब तक हम पासवर्ड ना डालें, जब तक उसको चेंज ना किया जा सके, देन उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन चेंजेस में जाके एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट रिकॉर्ड, यहां पे हम क्या डाल सकते हैं, अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। तो पासवर्ड की डाल दिया आपने, यहां पे कोई भी एक पासवर्ड असाइन कर दिया यहां पे आपने। देन आफ्टर अगर हम कोई भी रिकॉर्ड को चेंज करते हैं यहां से, तो फर्स्ट वन आप यहां पे जैसे मान लो मैंने कोई भी प्रोडक्ट नेम चेंज कर दिया, जैसे रेफ्रिजरेटर स्टैंडर्ड है, यहां पर जगह मैंने स्टैंडर्ड हटा दिया है यहां पर सपोज करिए, तो जैसे स्टैंडर्ड मैंने यहां से रिमूव किया तो वो डेटा अपने आप क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो अगर मैं यहां पे जाके क्लिक करूंगा तो मुझे पता भी लग जाएगा कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो कौन से यूजर से हुए हैं, एनएसक्यूएफ यूजर से चेंज हुए हैं 8/5/2020 में 8:34 के ऊपर। तो ये पूरा डेटा मेरा आ गया किस रिकॉर्ड से और क्या चेंज हुआ है। तो कोई भी रिकॉर्ड अगर आप यहां पे जैसे क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, जैसे 22 है, इसकी जगह 32 डाल दिया आपने, तो सारे रिकॉर्ड क्या हो गए वहां पे, हाईलाइट होते जा रहे हैं। कोई भी रिकॉर्ड अगर हम यहां पे चेंज कर रहे हैं तो सारे रिकॉर्ड आपको वहां पे क्या हो जाएंगे, हाईलाइट करके दिखाता जाएगा यहां पे। नाउ अगर हम इस रिकॉर्ड को एक बार स्टोर करने के बाद, तो ये सारे ऑप्शंस क्या है, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है। अगर आप यूजर चेंज करना चाहते हैं तो यूजर में कहां पे जाओगे, टूल्स में जाके एक ऑप्शन आता है ऑप्शंस, यहां पे जाकर के आप कोई भी नया यूजर भी बना सकते हो, या जो पुराना यूजर है उसको हटा करके नया यूजर डाल दिया आपने। सपोज करो मैंने एक टी यूजर ही दोबारा बना दिया, अगर मैं यहां पे भी फिर चेंज कर दूं टी यूजर डालने के बाद और मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी, तो यहां पे भी आप देखोगे उसका कलर चेंज है, और जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे अब यूजर नंबर क्या आ गया, टी, यूजर नेम टी आ गया है, अगेन डेट आ गई, टाइमिंग आ गया, बाकी सारी चीज वही है। तो ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है पॉइंट कि इस टाइप से आप अपना नया यूजर भी बना सकते हैं, और यूजर कहां से जाके बना, अगेन टूल्स में जाके ऑप्शन, और यहां से आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम या जो भी डिटेल डालनी है वो डिटेल यहां पे डाल सकते हैं। अब रिकॉर्ड को शो करते हैं, तो एडिट में जाके चेंजेस में जाके एक ऑप्शन आता है श्योर पॉइंट, श्योर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे हम अपने रिकॉर्ड को शो करके देख सकते हैं कि किस यूजर पे, अगर ऑथराइज देखने हैं तो ऑथराइज यहां पे आ गया कि एनएसक्यूएफ और दूसरा ऑथर कौन सा है, टी। देन आफ्टर
अगर आप अपनी इस फाइल के अंदर जाकर के अभी हम अगर क्लिक करें एडिट के अंदर जाकर के चेंजेस पे क्लिक किया मैंने, देन एक ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर अभी हम देखेंगे तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सीट है वो कैसी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो पहले पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट करेंगे, तो अनप्रोटेक्ट कैसे करोगे, एडिट में जाके अगेन किस पे जाओगे, चेंजेस, और चेंजेस में जाके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोटेक्ट जो रिकॉर्ड है उस पर दोबारा क्लिक करिए, तो अगेन आपसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी पासवर्ड आपने वहां डाला था वो पासवर्ड वहां पे असाइन कर दीजिए, तो आपकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अनप्रोटेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि अब आप अपनी फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो जो जो बंदे ने यूजर ने चेंज किया है, जैसे NSQF इस बंदे ने कोई डेटा आपका चेंज किया है, तो अगर हम उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो क्या कर दोगे, यहां से एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई बंदा जैसे क्वांटिटी चेंज हो गई, क्वांटिटी चेंज नहीं करना चाहते तो क्या कर देंगे, यहां से उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो वापस वही क्वांटिटी आ गई 22। देन आफ्टर NSQF यहां पे था, इसको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर दीजिए, ये एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे हमने जो जो रिकॉर्ड एक्सेप्ट किए हैं वो भी आपके पास रिकॉर्ड हो गई कि क्या क्या वैल्यू हमने एक्सेप्ट की है और क्या क्या वैल्यू हमने वहां पे रिजेक्ट कर दी है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो किसे रिगार्डिंग हो गए, आपके ट्रैकिंग व्यू से रिगार्डिंग हो गए, कि जिसके थ्रू हम बेसिकली क्या डाल सकते हैं अलग अलग से, कि ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा आपकी फाइल को चेंज करता है तो हम जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करना चाहें तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे रिजेक्ट कर सकते हैं। आप अपना खुद का ऑथर बना के देखना चाहते हैं तो वहां पे अपना ऑथर भी बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 5 आज का।